नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग लेटरल एंट्री के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में जो है 31 विभिन्न प्रकार के जो पदों पर केंद्र सरकार के द्वारा जो है भर्ती किए जाने के बाद यह पुनः जो है चर्चा का विषय बन गया है और लोगों में जानने की जो है जिज्ञासा पैदा हो गई है कि लेटरल एंट्री क्या है और यह क्यों जो है चर्चा में है, इसका क्यों विरोध किया जा रहा है। इन सभी बिंदुओं को खंगालने की जरूरत है और एक स्वस्थ जो है निष्कर्ष निकालने की जो आवश्यकता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक पहलुओं को हम लोग देखेंगे, जिसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि 31 पदों पर भर्ती करने के बाद ये मामला क्यों जो है पुनः चर्चा के जो है केंद्र में आ जाता है। यद्यपि अगर देखा जाए तो यह आज के समय में जो प्रारंभ की गई, लेकिन इसके लिए प्रयास काफी लंबे समय से किया जा रहा था और इसके बारे में जो है पहली बार जो प्रपोजल था वो 2005 ईस्वी में आया था, लेकिन यह स्वीकार नहीं हुआ। पुनः 2010 ईस्वी में आया, पुनः स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन सरकार ने इन सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए 2016 ईस्वी में जो एक कमेटी जो है बनाया। इस कमेटी ने जो है प्रपोजल और पूर्व के विभिन्न प्रपोजल का अध्ययन करने के बाद कुछ संशोधनों के साथ इसे जो है सरकार के पास जो है रिपोर्ट के रूप में भेजा और सरकार ने इस पर जो है वो सहमति व्यक्त कर दी। तो ये थी इसकी हिस्ट्री लेटरल एंट्री के जो संदर्भ में। तो सरकार ने जब इस पर सहमति व्यक्त की तो इस तरीके से भर्ती होने का रास्ता खुल जाता है। अब ये देखना है कि ये तो इसकी जो ऐतिहासिक विकास क्रम रहा है, लेकिन लेटरल एंट्री शब्द का क्या मतलब है। लेटरल एंट्री पार्श्व प्रवेश, अब इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पार्श्व प्रवेश है, यानी कि कोई अगर रास्ता हमें जो है किसी टारगेट तक पहुंचने के लिए एक सीधा रास्ता इस तरीके से आपको जाता है तो इस रास्ते से ना जाकर के कोई भी व्यक्ति यहां से अगर कोई पहुंच जाता है तो ये कहलाता है पार्श्व एंट्री, यानी कि साइड के माध्यम से या बगल से किसी स्थान पर पहुंच जाना वो क्या कहलाता है, लेटरल एंट्री कहलाता है। यानी कि इसको यह कहा जाए कि सामान्य तरीके से किए जा रहे कार्यप्रणाली से हट करके कुछ विशिष्ट तरीके से कोई भर्ती जो की जा रही है वो आपकी कहला रही है लेटरल एंट्री। क्योंकि इसके लिए जो सामान्य तरीके से लोगों को मौका और सामान्य रूप में जो भर्ती की अभी स्वीकृत व्यवस्था है उससे विशिष्ट है, इसलिए कुछ लोग इस परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो जा रहे हैं। तो इस आधार पर इस तरीके की जो प्रणाली पर जो है यहाँ पे सवालिया निशान लगाया जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है और इसके माध्यम से विभिन्न विभागों के रिक्त पदों की जो सूचना प्राप्त होती है उसके आधार पर यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए अध्याचन प्रेषित किया जाता है और इस आधार पर सामान्यतः लोक सेवा आयोग भर्ती करता है। लेकिन यहाँ तक की व्यवस्था इसमें भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन वहाँ पर प्रारंभिक मुख्य और साक्षात्कार के इस तरीके के चरणों का आयोजन नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ पर केवल क्राइटेरिया ये बना दिया गया है कि जो है योग्यता होनी चाहिए, कार्य अनुभव होना चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सभी भर्तियों में और सभी कैंडिडेट के लिए विभिन्न पदों पर जाने का रास्ता जो इन्हीं योग्यताओं से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह जो है विश्लेषण का एक विषय है कि क्या जो है साक्षात्कार या संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति का इन सभी बिंदुओं पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना संभव है या नहीं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इसमें सभी लोगों के पहुँचने की संभावना पर विचार करते हुए इस पर सवालिया निशान लगाए जाते हैं और समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो है लोगों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के जो है विचारकों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, प्रशासकों के द्वारा इस पर जो है इसका विरोध किया जाता है, इस पर सवालिया निशान जो है लगाए जाते रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे जो है पक्षकार हैं जो इसमें प्रभावित हैं, उन पक्षकारों को भी जो देखना आवश्यक है। इसमें कई पक्षकार हैं जो पक्षकार प्रभावित हैं। सिविल सेवक, प्रतियोगी जो भी तैयारी कर रहे हैं, आरक्षित वर्ग, इन स्तरों पर जो है इसमें ये
प्रभावित जो पक्षकार हैं इनके स्तर पर इसमें विरोध जाहिर किया जाता है। सिविल सेवक जो है भर्ती होने के बाद एक लंबे अनुभव के बाद उस स्थान पर पहुंचता है जहां यहां पे सीधे पहुंचा दिया जाता है, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल या जो है इसी तरीके से जो है डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे या सेक्रेटरी लेवल पर या जो है डायरेक्टर लेवल पर यहाँ से भर्ती की जा रही है, जहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों को जो है 10 से 12 वर्ष या 15 वर्ष या 18 वर्ष की सेवा करने के बाद जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास होने के बाद लोग पहुंचते हैं। तो इस तरीके से वर्तमान सिविल सेवक भी जो है का यहां से जो है संघर्ष बन सकता है और उनके लिए जो है ये मार्ग कठिन हो सकता है कि वहां पर इन्हें पहुंचना चाहिए और नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी तरीके से वर्तमान में जो प्रतियोगी हैं इनके द्वारा सबसे ज़्यादा इसका जो विरोध किया जा रहा है कि जो ये तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के माध्यम से एक सही जो प्रक्रिया है कि एक उसका सिलेबस है उसके एक चरण है इनका जो है पालन करके वहाँ पर पहुँचते हैं तो निश्चित तौर पर इनको कम मौके मिल सकते हैं, क्योंकि सीटें अगर वहाँ पर घटेंगी तो निश्चित तौर पर इनके हित जो प्रभावित होंगे। और एक आरक्षित वर्ग है जिसके द्वारा भी जो है इस तरीके की बातें कही जाती रही हैं समय समय पर जो है, क्योंकि इसमें इस तरीके की रिजर्वेशन की बात ना कह करके ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कई पक्षकार हैं जिनके द्वारा जो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर अगर इस पर सहमति दी गई है तो इन सभी बिंदुओं के आधार पर यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया इस तरीके से जो जारी रहेगी। अब थोड़ा सा हम जो विभिन्न पदों पर जो भर्ती की जा रही है उसके आधार पर अगर किसी भी चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो वहाँ पर एक सेक्रेटरिएट का जो है थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, जिसके आधार पर थोड़ी सी ये जानकारी प्राप्त होगी कि किस तरीके से और किस प्रकार के स्तरों पर जो है इनकी भर्ती की जाती है। अब यहाँ पे हम अगर नीचे से उधर ऊपर की तरफ चलते हैं तो सबसे नीचे जो है आपके अनुसचिव होते हैं। अनुसचिव, इसके ऊपर आपके जो है उप सचिव होते हैं, उप सचिव के ऊपर जो है संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव के ऊपर जो है विशेष सचिव, इसके ऊपर जो पद है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सेक्शन और विभाग की जो है वो क्या स्थिति है। यहाँ पे सचिव भी हो सकते हैं, प्रमुख सचिव भी हो सकते हैं और अपर मुख्य सचिव भी हो सकते हैं, तो इसको आप इस क्रम में जो है लिख सकते हैं। या जो है अपर, जो बड़े विभाग हैं जिनका एक व्यापक दायरा और आयाम है वहां पे अपर मुख्य सचिव जिसे ACS कहा जाता है, और यहाँ पे जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमुख सचिव होते हैं और ये सचिव केवल सेक्रेटरी लेवल का जो होते हैं। अब आप ये समझना आवश्यक है कि इसके नीचे भी कर सेक्रेटरिएट में जो है सेक्शन ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के भी जो पद होते हैं सृजित किए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः ये ध्यान में रखना है कि जो सचिव की जो श्रेणी है वो यहाँ से शुरू होती है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ से ही जो है क्लास 1 गजटेड का पोस्ट प्रारंभ हो जाता है, और जो आपके इन लेटरल इंट्री के माध्यम से भर्ती हो रही है वो कहीं ना कहीं संयुक्त सचिव या इस तरीके के जो पदों पर की जा रही है, और जिसे जहां पहुंचने में जो है काफी समय लग जाता है। अगर हम केंद्र सरकार की जो बात करें तो संयुक्त सचिव के स्तर पर पहुंचने में जो किसी IAS अधिकारी को जो 12 से 14 वर्ष लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है इस तरीके से जो सीधी भर्ती के माध्यम से वहां पहुंचने पर लोगों के लिए संभावनाएं काफी कम हो जाती है, और इसमें ये सभी पक्षकार कहीं ना कहीं सम्मिलित होते हैं। तो इन सभी बातों के जो आधार पर इस लेटर एंट्री के संदर्भ में जो है असहमति और आशंका, अनिश्चितता, विरोध की बात सामने आती है। तो ये कुल मिलाकर के जो है लेटरल एंट्री के संदर्भ में लोगों के द्वारा जो है व्यक्त की जा रही जो बातें हैं। तो इस संदर्भ में जो सरकार को प्रशासनिक स्तर की जो व्यवस्था के लिए प्रयास करने चाहिए, लेकिन इस तरीके से कदम उठाना चाहिए जिससे समाज के सभी प्रतियोगियों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो न्याय को स्थापित करना जो है संभव हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा जो इस तरीके के बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और ऐसे रास्ते निकाले जाएंगे ताकि किसी के साथ जो है अन्याय ना हो सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में इसी तरीके की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।